प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी की गुरुकुल लेसन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और क्लासिक्स का ये हमारा अतीत यानी बोले तो आपका इतिहास का ये पहला लेक्चर है। आपको इसका लेक्चर बहुत जल्दी पढ़ा दिया जाएगा और बच्चों का डिमांड है सर, नोट्स नहीं है उनके पास, तो नोट्स बना के हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको आप बना लीजिएगा नोट्स, इसका हम अगले लेक्चर में वीडियो बनाकर प्रॉपर लाएंगे और आपको वहाँ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। बहुत ईजी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ नोट्स बना लेते हो और खुद से एक बार रीडिंग कर लोगे अपने NCERT बिहार बोर्ड का, तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं बचेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि नोट्स बनाया गया तो बहुत आपके हर टॉपिक को ख्याल में रखा गया है और उसको पूरा डिटेल में एनालाइज करके एक कंप्लीट डाला गया है कि बच्चे के पास कोई ऑब्जेक्टिव या जो भी आपसे क्वेश्चन पेपर में आए तो छूटना नहीं चाहिए। और समय कम है, इसके लिए मैं आज यही कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करता हूँ और लेक्चर मेरा जैसे आएगा कम्प्लीट उसको पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे हम, पूरा बुक के रीडिंग करने के साथ साथ उसके सारे आंसर क्वेश्चन। ये हर पास समय तो अभी आप पढ़ते हो क्लास सिक्स में, और बच्चे जो भी क्लास ट्वेल्थ में जाते हैं तो भी जिनका आर्ट्स होता है वो भी हर पास सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके बुक का क्वेश्चन आंसर है जो इजीली आप खुद से ही कर सकते हो। बहुत छोटा सा चैप्टर था आपका ये, इस तरह से वो चैप्टर कंप्लीट होता है, चार पांच पेज, बहुत छोटा चैप्टर है, खुद से रीडिंग कर लीजिएगा और आपको इस समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं बच्चा जी अगले चैप्टर में, पूरा डिटेल में चैप्टर का एनालिसिस आएगा और आपके बाकी विषय भी आएंगे, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। चैनल पर भरोसा किया तो भरोसा करते रहना, क्योंकि आपको टोटल विषय पर बोला हम पढ़ा देंगे तो बिल्कुल पढ़ा देंगे। थोड़ा मैं क्लास टेन से बिजी हूँ, जैसे खाली हो जाता हूँ तो आपका मैथ साइंस का भी लेक्चर आना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।